हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, आज जो नया टॉपिक है वो खंडशः समाकलन बताना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताना है। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या कहते हैं, आप समझ लीजिए कि अगर दो फंक्शन है f1x और f2x इस तरह से लिखा हुआ है, अगर f1x इंटू f2x ये दो फंक्शन दिया गया है तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन f1x इंटू f2x dx इक्वल टू क्या होगा, पहला लिखेंगे f1x इंटीग्रेशन f2x dx माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स एफ वन एक्स इंटीग्रेशन एफ टू एक्स डी एक्स एफ वन डी एक्स। यह देख लीजिए, अगर दो फलन है एफ वन एक्स और एफ टू एक्स है, तो या अगर आप और छोटे में लिखना चाहते हैं तो देखिए, आज हम लिख दे रहे हैं इसमें यू भी इंटीग्रेशन डी एक्स। तो पहला क्या होगा, यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स पूरे का डी एक्स। अब ये देख लीजिए, अगर मान लीजिए u को पहला फलन है, ये दूसरा फलन है, तो ये मानने का एक तरीका है। समझ में आ गया, जैसे दो फंक्शन दिया हुआ है तो हम किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल बता रहे हैं, इंटीग्रेशन ax log x dx। अब देखिए इसमें जानते क्या है, log x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, ax का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं उसको दूसरा मानते हैं, या जिसका डिफरेंशिएशन जानते हैं उनको हम पहला मानते हैं। आई बात समझ में, इसके लिए एक नियम है कि एकदम एक ही वर्ड याद कर जाइए, जिसका इंटीग्रेशन जानेंगे उसको दूसरा, जिसका डिफरेंशिएशन जानेंगे उसका हम पहला मानेंगे। जैसे देखिए, पहला मानने के क्या तरीके हैं, आई लेट आईलेट इसी के अनुसार मानते हैं। आई का मतलब क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये क्या हुआ, एल आई से मतलब होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसको हम पहला मानते हैं। नंबर दूसरा क्या है, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन को पहला मानेंगे। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन को पहला मानेंगे। टी को क्या मानते हैं, टी को मानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए पे एक्स ई पे एक्स इस तरह से। तो ये चीज है, इतना हमको याद रखना है। फार्मूला, मेन फार्मूला इसका यही है, यू भी डी एक्स इक्वल टू यू भी डी एक्स इस तरह से दिया। अब हम इसे फार्मूले का यूज करेंगे, आप इसको याद कर लीजिए। आईलेट पहला फलन मानने का सबसे सीधा सा एक ही वर्ड याद कर लीजिए, जिसका हम डिफ्रेंसिएशन जानेंगे उसको पहला मानेंगे, और जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं उसको हम दूसरा फंक्शन मानते हैं। ओके, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए,
एक्सरसाइज, ये है एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है एक्स साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। अब ये देखिए क्या है, इसमें हम दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन हम पहले को क्या मानते हैं, पहले को मानेंगे पहला फंक्शन, दूसरे को दूसरा। तो u की जगह पे एक्स है, ये u है और ये क्या है v है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप रख दीजिए क्या लिखा है, u u की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स इंटीग्रेशन v साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एक्स, देखिए यू की जगह पे एक्स लिखा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और एक बाई डी एक्स। ओके, अब सीधा सा सबका मतलब जानते हैं, एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस के साथ माइनस लगा दीजिए, माइनस यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू वन हो गया, साइन का क्या होगा वन इंटू कॉस एक्स डी एक्स, आई माइनस ए प्लस हो गया। ओके, अब एक बार और इंटीग्रेटर कर देंगे तो ये फार्मूला हटा देते हैं, तो होगा क्या, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। समझ में बात आ गई, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या अंग है, यू भी मानना, किसको यू मानेंगे, किसको हम भी मानेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए, अब इसमें दो तरह से सोच सकते हैं, अगर x का इंटीग्रेट करेंगे तो पावर बढ़ते जाता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर घटते जाता है, इसलिए यहाँ निकालना क्या होगा, आसान होगा। ओके, x है तो हम पहले को मानेंगे, ये मान लेते हैं u, इसको भी मान लेते हैं, तो होगा x स्क्वायर इंटीग्रेशन e टू द पावर x डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स है डी एक्स। चलिए यह एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन वही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ये हुआ टू एक्स ई टू द पावर एक्स, ये हुआ डी एक्स। अब यह देखिए, टू बाहर ले लीजिए, इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, देखिए इसको हम एक बार और करेंगे इंटीग्रेशन, तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ये है एक्स e to the power x dx minus dy dx x integration e to the power x dx to dx। अब देखिए x square e to the power x minus 2 अभी रहने दीजिए, x e to the power x हो गया, फिर इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो जाएगा, इंटू माइनस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ये चीज एक बार और लिख दें, तो होगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस, अब देखिए इसको इंटर करा देंगे तो क्या लिख देंगे, टू एक्स ई टू दी पावर एक्स, फिर ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस टू ई टू दी पावर एक्स प्लस कांस्टेंट सी,
इसमें क्या देख रहे हैं, सब जगह ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स है। तो ई टू दी पावर एक्स को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिया तो होगा क्या, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ई है प्लस टू प्लस सी, ये हुआ इसका आंसर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का ये आंसर हो गया। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स लिखा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए हम यहाँ किसको पहला मानेंगे, लॉग एक्स, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं इसलिए इसको पहला मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लॉग एक्स को बाहर कर दिया, अब इंटीग्रेट करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स लॉग एक्स आई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एक्स। चलिए इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस लॉग एक्स का वन बाई एक्स, हमको डी वाई डी एक्स इसका निकालना है, इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब अपॉन थ्री डी एक्स हो गया। ये देखिए थ्री एक कट जाएगा टू हो गया, तो एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री ये बाहर आ जाएगा इंटू, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स क्यूब अपॉन नाइन प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इंटीग्रेशन तो यहाँ पे एक लॉग एक्स छुटा है, लॉग एक्स यहाँ पे देखिए लॉग एक्स है तो लिख देंगे लॉग एक्स। अब क्या करें, एक्स क्यूब को हम पहले कर दें तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन थ्री लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन नाइन प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज करें, आगे जिस तरह से फार्मूला दिया है इसी फार्मूले पे बेस है, फिर आगे क्वेश्चन कल बताए देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।